तो ये क्वेश्चन कह रहा है अपन को, बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो बस एक स्ट्रेट रोड में चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और 50 किलोमीटर पर आवर से, देन इट टर्न्स लेफ्ट थ्रू 90 डिग्री। तो वो स्ट्रेट चल रही थी नॉर्थ में 50 किलोमीटर पर आवर से, और फिर वो लेफ्ट में टर्न लेती है यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। इफ़ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर टर्निंग, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बस इन टर्निंग प्रोसेस। इंक्रीज का मतलब है यहाँ पे कि वेलोसिटी में चेंज क्या होगा। देखो वेलोसिटी और स्पीड ना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। वेलोसिटी के पास तो दोनों चीज़ें हैं, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी, लेकिन स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो स्पीड में जो मैं चेंज बोलूँगा, तो स्पीड में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, क्योंकि पहले भी स्पीड 50 थी अभी भी स्पीड 50 है, तो स्पीड में चेंज जीरो है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज जो है वो जीरो नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। वेलोसिटी का चेंज जीरो नहीं है, तो क्योंकि वेलोसिटी बस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बदल रही है यहाँ पे। सो इंक्रीज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, 50, तो माइनस 50 आई कैप ले लेंगे क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस में है, और ये ऊपर की तरफ है, माइनस साइन एज इट इज आ गया और ऊपर की तरफ है, तो 50 j कैप आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अब इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, अंडर रूट आई कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर, के कैप भी होता तो उसका भी स्क्वायर, सबके स्क्वायर करके अंडर रूट करके ऐड कर देते हैं, ऐसे कोएफिशिएंट आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है अपने पास। तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 70.7 किलोमीटर पर आवर अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अब अपन को इसमें मैग्नीट्यूड निकल गया, अब 70.7 अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अपन ने क्या करा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यहाँ पे अपन ने क्या लिख रखा है, ये अपना v2 वेक्टर है और ये अपना क्या है, v1 वेक्टर है। ठीक है, अब चेंज का मतलब क्या होता है, अपन को ये चाहिए v2 माइनस v1। अगर v1 ऐसे है, अगर बेटा v1 ऐसे है तो माइनस v1 ऐसे हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो v2 को ऐसे ही रहने, तो मैंने यहीं पे करा हुआ है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो v2 ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन मैंने ये जो v1 था इसको ऐसे कर दिया, तो ये माइनस v1 हो गया। तो मेरे को v2 माइनस v1 की डायरेक्शन चाहिए, तो v2 ये रहा, -v1 ये रहा। अब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये दोनों वेक्टर कौन से वेक्टर हैं, ऑर्थोगोनल, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो उनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी साउथ वेस्ट। ठीक है ना, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। सो ए विल बी आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।